कोरोना की वजह से पूरी दिल्ली में स्थिति भयावह है और इस बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और इसी वजह से ये ग्रीन पार्क का इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लाइन में लगे हुए हैं। ये आर्क फार्मास्यूटिकल्स है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर यहाँ मिल रहा है और इसी वजह से लोग घंटों इंतजार में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से, कितने घंटे से आप लोग लगे हुए? सुबह से 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी वो बोलते हैं है, कभी वो बोलते हैं नहीं है। सो अभी तक सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं, ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्थिति है कि यहाँ पर लोग जो कि जरूरतमंद हैं, जिनके मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं, उनके जो तीमारदार हैं वो हैं। यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, क्या क्या स्थिति है आप लोगों ने यहाँ पर? यहाँ पर सब चीज है, अरेंजमेंट भी है, सब है, पर यहाँ पर जो है ना ये जितनी पब्लिक खड़ी हुई है मानने को तैयार नहीं है। हम इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानना ये लोग। और दो तीन दिन आप खुद जाके ऊपर जाके देख सकते हैं, ऊपर तीन तीन चार चार जने ऊपर हैंगे अभी। जब वो आ जाएंगे हम नीचे उनको, फिर दो जनों को फिर भेजेंगे हम। अगर हम इकट्ठा भेज देंगे तो ये सब बाहर आ जाएंगे। फिर सुबह 5 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई सुबह यहाँ पे 1 बजे से आया हुआ है। हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से ये लिस्ट बनाई थी, जो सबसे पहले आया है उसको सबसे ऊपर रखा और उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई है। लेकिन ये लोग उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये स्थिति है, सुबह से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं तड़के से, लेकिन यहाँ पर अभी तक उन्हें ये स्थिति नहीं पता चल पा रही है कि आखिरकार इंजेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा। हर किसी के हाथ में प्रेस्क्रिप्शन है, हर कोई परेशान है, लेकिन परेशानी की स्थिति अपनी जगह पर। ये लॉकडाउन है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो रही है। आप कितने बजे से खड़े हैं? 2:30 बजे से खड़ा हूँ मैं, रात के 2:30 बजे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं था, मैंने चलो वहाँ जाकर नंबर लगाऊंगा, तब भी बंदे बहुत सारे। दो बज गए अब लगभग, 12 घंटे से 12 घंटे से खड़े हो सर, खाना पीना भी नहीं खाया हूँ, लगे हुए हैं। और कोई कुछ नहीं पता कि मिलेंगे कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देयर इज अ टोटल फेलियर ऑन द गवर्नमेंट पार्ट सर, बहुत बुरा हाल है। और मुझे शर्म है कि मैं आज अपने आप को इंडियन बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से ये जो फार्मा है उसके नीचे यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है सब्र करने के लिए, लेकिन कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है स्थिति, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से आखिरकार यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। तो ये है स्थिति और लोगों की परेशानी देख करके। तो अब क्या, कब तक दे रहे हैं, कब तक शुरू हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन? ऊपर भेज रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार करके, और जब वो आ जाएंगे तो फिर हम और भेज देंगे, एकदम सबको इकट्ठा भेज देंगे। तो आपको तो पता ही है, लोग दो दो बजे रात से लगे हुए हैं यहाँ पर, दो दो बजे रात से। यहाँ तो कल भी आए थे कम से कम 1000 आदमी था, आज तो कुछ भी नहीं है। कल 1000 आदमी था, साहब आ गए, साहब खुद बता देंगे, साहब को पता है। पुलिस वाले भी हैं, इंस्पेक्टर यहाँ के SHO भी हैं। क्या यहाँ पर जो स्थिति है कैसे है? ये भी बंदा नहीं गया। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके जैसे हो जल्दी से जल्दी इंजेक्शन मिल पाए।